Hello all, in this video we'll talk about first law of motion. So in the previous video we have studied friction, we have studied balance force, unbalance force, force, how forces, how the changes, what characteristics a force can have. So in this video we'll study about first law of motion. So who created the base for first law of motion? It is very important to know. It was Sir Galileo Galilei who created the base for first law of motion. सर गैलीलियो गैलीली के एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने की इनकी एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से न्यूटन ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को डिराइव किया था, डिफाइन किया था. सो व्हाट वाज हिज एक्सपेरिमेंट? ही स्टडीड द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. इंक्लाइंड प्लेन पे इन्होंने बॉडी की, किसी भी बॉडी के मोशन को स्टडी किया था. कैसे? इन्होंने दो इंक्लाइंड प्लेन लिए. सो दोनों इंक्लाइंड प्लेन को इस तरह से रखा और एक इंक्लाइन प्लेन से, लेफ्ट वाले इंक्लाइन प्लेन से एक मार्बल को रिलीज किया एक हाइट से. तो दोनों इंक्लाइन प्लेन को अगर सपोज करें सेम हाइट पे रखा है, दोनों इंक्लाइन प्लेन को सेम हाइट पे रखा है, तो अगर हम इस साइड से, लेफ्ट साइड से इन्होंने मार्बल को रिलीज किया, तो इन्होंने देखा कि मार्बल जो है वो राइट साइड पे सेम हाइट तक पहुंच रहा है. पहला ऑब्जर्वेशन था इनका, पहला एक्सपेरिमेंट क्या था कि लेफ्ट साइड से इन्होंने मार्बल को रिलीज किया तो वो राइट साइड में सेम हाइट तक पहुंच रहा है. दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, इन्होंने अगर दोनों दोनों ये जो प्लेन्स है, इंक्लाइन प्लेन्स है, उनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम रख दें, इन्होंने दोनों का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सेम रखा, तो लेफ्ट साइड से जब मार्बल को रिलीज किया तो वो राइट साइड में सेम डिस्टेंस तक गया जिस डिस्टेंस से लेफ्ट में रिलीज किया गया. अगर लेफ्ट में इतने डिस्टेंस से रिलीज किया गया तो राइट में भी उतने डिस्टेंस तक जाने की कोशिश करता है मार्बल. थर्ड जो इनका एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने क्या किया कि इस राइट साइड वाले इंक्लिनेशन को थोड़ा कम कर दिया और राइट साइड वाले इंक्लिनेशन को बढ़ा दिया. तो इंक्लिनेशन जैसे ही यहां से मार्बल को रिलीज किया, थर्ड के लिए, थर्ड केस में जैसे ही मार्बल को रिलीज किया तो मार्बल टेंड्स टू मूव टू द सेम हाइट ऑन द राइट हैंड साइड. मार्बल क्या कोशिश करेगा, वो सेम हाइट तक जाने की कोशिश करेगा राइट हैंड साइड वाले प्लेन पे भी. फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या था, इन्होंने राइट हैंड साइड वाले इंक्लिनेशन को, इस प्लेन को बिल्कुल जीरो इंक्लिनेशन दे दिया, एकदम फ्लैट कर दिया. और फिर जब मार्बल को रिलीज किया तो वो मार्बल एकदम आगे जाता ही जाता है यूनिफॉर्मली, विद यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब मार्बल रुकता नहीं है, मोशन में ही रहता है फिर वो. सो व्हाट गैलीलियो वांटेड टू कन्वे विद हिज एक्सपेरिमेंट, दैट द मार्बल ट्राइज टू अटेन द सेम हाइट फ्रॉम विच इट इज रिलीज फ्रॉम द लेफ्ट प्लैंक. सो If from h height it is released from the left plank, so on the right plank it will try to go up to the same height. So in all the four cases the marble tries to go up to the same height. Whenever there is some change in the inclination, it will travel some more distance on the right plank so that it can cover the same height. In the last case it will keep on moving because it is trying to cover the same height. It is trying to achieve to reach the same height, but which is not possible, so it will keep on moving. So with this experiment Galileo wanted to convey that if a body is in motion it will remain in motion, if a body is at rest it will remain at rest, if this marble is in motion it will remain in motion until some unbalanced force is applied on it. Unbalanced force may be in terms of friction or maybe in terms of some external force. So this is all he wanted to convey with this experiment. Galileo concluded, when a marble is rolled down, Galileo ke arguments ko hum log pehle dekh lete hain. When a marble is rolled down from the left, it will go up on the opposite side up to the same height at which it is dropped down. Second, if the inclination of the plane is equal, the marble would travel equal distances while climbing up as traveled while rolling down. If we decrease the angle of inclination of the right plane, the marble would travel further in order to achieve the same height until it reaches its original height. If the right side of the plane is made flat, marble would travel farther forever to achieve the same height. वो same height पाने की कोशिश में आगे जाता ही जाएगा forever. So what were the conclusions? Unbalanced forces are needed to change the motion of the marble. अगर मार्बल के मोशन को चेंज करना है तो अनबैलेंस फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी.
वैन द मार्बल इज मूविंग यूनिफॉर्मली, अगर यूनिफॉर्मली जा रहा है तो उसको रोकने के लिए, उसके मोशन को रोकने के लिए हमको अनबैलेंस फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी. इन अदर वर्ड्स, ऑब्जेक्ट्स मूव एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड इफ नो फोर्स एक्ट्स अपॉन दैम. अगर इस मार्बल पे कोई फोर्स नहीं लगाया जाए तो ये सीधा जाता जाएगा, कब तक, जब तक इसको ये सेम हाइट नहीं पाले जिस हाइट से रिलीज किया गया है. अगर इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है तो दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. सो बेस्ड ऑन गैलीलियोज आइडियाज, न्यूटन प्रेजेंटेड द थ्री लॉज ऑफ मोशन. सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और वी कॉल इट द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑल्सो. सो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, गैलीलियो के ऑब्जर्वेशन से, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता उसको मोशन में लाने के लिए. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता उसको रेस्ट पे लाने के लिए. सो एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अंटिल इट इज कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, विच मीन्स If any object is in state of rest, then it will remain at rest until an external force is applied to change its state. Similarly, an object will remain in motion until any external force is applied over it to change its state. This means all objects resist to in changing their state. अगर ये object rest पे है तो ये resist करेगा इसके change in state of motion को. तो इसके लिए अगर हमको इसको motion में लाना है तो उस पर कोई external force लगाना पड़ेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, अगर व्हीकल्स मोशन पे है तो उसको रोकने के लिए हमको ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं. अगर हम कहें कि काफ़ी देर तक अगर हम ब्रेक नहीं लगाएं तो अपने आप रुक जाता है व्हीकल, तो वो रुकता है इसलिए क्योंकि जो रोड की सरफेस है वहाँ से व्हीकल को फ्रिक्शन फोर्स मिलता है जो उसको उसके मोशन को अपोज करता है. तो कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाई हो ही रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. For example, now let's study the applications of first law of motion. A person standing in a bus falls backward when the bus starts moving suddenly. अगर कोई person bus में खड़ा है तो पीछे की तरफ उसको झटका लगता है जैसे ही bus एकदम से start होती है. ये हम सब ने feel किया हुआ है. कैसे वो ये क्यों होता है? This is because the person and the bus both are in rest. पहले दोनों rest पे होते हैं. अगर जब bus start नहीं हुई होती है तो दोनों rest पे होते हैं. जैसे ही bus स्टार्ट करना मूव करना स्टार्ट करती है तो पर्सन के जो लेग्स हैं जो कि बस के साथ कॉन्टैक्ट में है वो बस के साथ मोशन में आ जाते हैं. द लेग्स ऑफ द पर्सन स्टार्ट्स मूविंग अलोंग विद द बस बट रेस्ट पोर्शन ऑफ हिज बॉडी, जो उसकी बॉडी का बचा हुआ पोर्शन है वो अभी भी उसकी टेंडेंसी रेस्ट की है, हैज द टेंडेंसी टू रिमेन एट रेस्ट. बिकॉज ऑफ दिस द पर्सन फॉल्स बैकवर्ड If he is not alert, तो इसकी वजह से person क्या होता है पीछे की तरफ उसको झटका लगता है अगर वो alert नहीं है तो. दूसरा same case अगर bus चल रही होती है तो हमको जैसे ही driver brake लगाता है तो हमको आगे की तरफ झटका लगता है, हम आगे की तरफ move करने लग जाते हैं, आगे की तरफ fall करते हैं हमारी body. वो ऐसा इसलिए होता है, ये हमने car में भी देखा होगा, अगर हम लोग seat belt नहीं लगाते तो जैसे ही brake लगाते हैं तो वो आगे की तरफ एकदम से ब्रेक लगने पे आगे की तरफ जर्क आता है, आगे की तरफ झटका लगता है, हम आगे की तरफ फॉल करने लग जाते हैं. तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जैसे ही कोई बॉडी मोशन में है तो हमारे साथ उस बॉडी के साथ, जैसे बस अगर मोशन में है तो उस बस के साथ जो पर्सन उसके अंदर खड़ा है वो भी मोशन में है. जैसे ही उसने बस ने ब्रेक लगाया, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो बस रेस्ट पे आती है, तो बस के साथ साथ जो पार्ट बॉडी, उस पर्सन की बॉडी का जो पार्ट बस के साथ कॉन्टैक्ट में है जैसे लेग्स, वो भी रेस्ट में आते हैं, वो भी एकदम से रेस्ट में आ जाते हैं. पर जो बाकी का पोर्शन है, रेस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी रिमेन्स, टेंड्स टू रिमेन इन मोशन, जिसकी वजह से पर्सन को आगे की तरफ झटका लगता है. दिस हैपन्स बिकॉज व्हेन द बस इज इन मूविंग द पर्सन स्टैंडिंग इन इट इज ऑल्सो इन मोशन अलॉन्ग विद द बस बट व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स द स्पीड ऑफ द बस डिक्रीजेस सडनली और द बस कम्स इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट सडनली. इन दिस कंडीशन द लेग्स ऑफ द पर्सन विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द बस कम्स टू रेस्ट वाइल द रेस्ट पार्ट ऑफ हिज बॉडी हैव द टेंडेंसी टू रिमेन इन मोशन. बिकॉज ऑफ दिस पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड इफ ही इज नॉट अलर्ट. अगर अलर्ट नहीं है तो आगे की तरफ झटका लगता है. ऐसे ही हमने एक और एग्जाम्पल देखा, हम लोग जैसे ही कभी वेट क्लोथ्स को हम लोग लॉन्ड्री लाइन पे सुखाते हैं तो पहले सुखाने से पहले
झटका देते हैं उसको, झाड़ते हैं कपड़ों को अच्छे से. यूजुअली मैनी जर्क्स आर गिवन टू द क्लोथ्स टू गेट देम ड्राइड क्विकली, उनको जल्दी सुखाने के लिए उस पर कई सारे जर्क्स देते हैं. बिकॉज ऑफ जर्क्स ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ द क्लोथ फॉल्स ऑन द ग्राउंड एंड रिड्यूस अमाउंट ऑफ वाटर इन क्लोथ्स ड्राइज देम क्विकली. तो जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट वाटर का क्लोथ्स के अंदर रहता है उन जर्क्स की वजह से वो बाहर आ जाता है और बहुत कम अमाउंट बचता है क्लोथ के अंदर वाटर का जो जल्दी ड्राई अप हो जाता है, जल्दी सूख जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हेन सडनली क्लोथ्स आर मेड इन मोशन बाय गिविंग जर्क्स द वाटर ड्रॉपलेट्स इन इट हैव द टेंडेंसी टू रिमेन इन रेस्ट एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्लोथ्स एंड फॉल ऑन द ग्राउंड. तो इस वजह से क्या होता है, ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाती है क्योंकि वो रेस्ट पे होती है और एकदम से मोशन में, जैसे क्लोथ मोशन में आता है तो ड्रॉपलेट्स की टेंडेंसी होती है कि वो मोशन में ही रहें, वो रेस्ट पे ही रहें. तो रेस्ट पे रहने की वजह से उन पे जर्क लगता है और वो क्लोथ्स के बाहर आ जाती है. सिमिलरली व्हेन द पाइल ऑफ अ कॉइन ऑन द कैरम बोर्ड इज हिट बाय अ स्ट्राइकर कॉइन ओनली एट द बॉटम मूव्स अवे लीविंग रेस्ट ऑफ द पाइल ऑफ द कॉइन एट द सेम प्लेस. हम लोगों ने सबने देखा होगा हम कैरम खेलते टाइम पे, यहाँ पे दिया हुआ भी है एग्जाम्पल, कैरम खेलते टाइम पे अगर इस पाइल को इस तरह से कॉइन्स को इस तरह से एक पाइल बना दें और जैसे ही हम लोग बहुत फास्ट स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हैं तो जो सबसे बॉटम पे कॉइन है वो तो निकल जाता है आगे और बाकी सारे एज इट इज पाइल बनाए रखते हैं, बाकी सारे अपनी पोजिशन में ही रहते हैं. वो नीचे वाला निकल जाता है कॉइन और बाकी सारे एज इट इज रहते हैं. वो ऐसा इसलिए होता है, दिस हैपन्स बिकॉज वेन द पाइल इज स्ट्रक विद अ स्ट्राइकर the coin at the bottom comes in motion while the rest of the coin in the pile has the tendency to remain in the rest and they vertically falls the carom board and remain at the same place. So next हम लोग बात करते हैं mass and inertia की, Newton's first law of motion की help से. यहाँ पे ये coin वाला experiment भी दिया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ. I'll show you. This is a coin experiment. So inertia and mass. Now inertia is what? Inertia is the natural tendency of any body to resist a change in its state of motion or of rest. If a body is at rest, it will remain at rest. So what inertia says? Inertia is the natural tendency of a body to resist the change in its motion, in its state of motion or of rest. It is measured by the mass of an object. Inertia is directly proportional to the mass. This means inertia increases with increase in mass and decreases with decrease in mass. जितना ज़्यादा mass होगा किसी body का उतना ही ज़्यादा उसका inertia होगा. Inertia क्या होता है, एक body की natural tendency होती है जो कि उसको resist करती है उसको उसकी state of motion को change होने के लिए. जैसे ये pen है तो इसकी natural tendency होगी कि ये resist करे, इसको motion में नहीं लाए. अगर ये मूविंग है, मोशन में है, तो उसकी नेचुरल इनर्शिया उसका उसकी इसकी इस बॉडी का कुछ इनर्शिया होगा जो कि इसको रेजिस्ट करेगा कि ये मोशन में ही रहे, रेस्ट में ना आए. सो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? मास ऑफ बॉडी पे. इनर्शिया जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया भी होगा. द मोर द मास ऑफ द बॉडी विल बी द मोर विल बी इट्स इनर्शिया. सो A heavy object will have more inertia than the lighter one. So it is difficult to push or pull a heavy box over the ground than the lighter one. जितना ज़्यादा किसी body का mass होगा उतना ही ज़्यादा उसका inertia होगा. इसी वजह से हमको बहुत ज़्यादा difficulty होती है heavy objects को उठाने में lighter objects के comparison में, क्योंकि lighter objects का inertia कम होता है, वो कम resist करते हैं अपनी state of motion को, तो उस वजह से हम लोग ईजिली उनको मूव करा लेते हैं. जबकि हैवी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उनका इनर्शिया होता है क्योंकि उनका मास ज़्यादा है, तो उस वजह से वो ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं मूव कराने में. तो बात करते हैं, सो लेट्स टॉक अबाउट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस विच आर अवेलेबल ऑन पेज नंबर 118. सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज? ऑब्वियसली अ स्टोन ऑफ द सेम साइज विल हैव मोर इनर्शिया बिकॉज द स्टोन will have more mass as compared to the rubber box, rubber ball. So inertia is directly proportional to the mass. So more the mass of the body will be, more will be its inertia. Similarly, a bicycle or a train. So a train will have more inertia because the mass of a train is more than the bicycle. A 5 rupee coin or and a 1 rupee coin. So 5 rupee coin will have more inertia because the mass of a 5 rupee coin is more than 1 rupee coin. So next, in the following example, try to identify the number of times the velocity of a ball changes. So we have to identify how many times the velocity of the ball changes. So a football player kicks a football to another player
by steam who kicks. So firstly, when the football is at rest, its velocity is zero. So this football player kicks this football. So that means with some velocity, it will start moving. So here the velocity of the football changes for the first time. Next time when it is hit by another player who kicks the football towards the goal. So when it kicks back towards the goal, so that time also its velocity will be changed by another player. So the goalkeeper of the opposite team collects the football and kicks it towards the player of his own team. So as the goalkeeper collects the football, so its velocity will again change. And as he kicks it towards the player of his own team, that time also the velocity will change. So how many times the velocity of the ball will change? Four times the velocity of the ball will be changed. Firstly, when the football player kicks the football. Secondly, when the second player collects and kicks it back towards the goal. Thirdly, when the goalkeeper collects. And fourthly, when goalkeeper kicks it towards his own team player. Next, explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. So some of leaves of a tree get detached when we shake its branch vigorously, because when the branches of a tree are shaken, it moves to and fro. It moves to and fro. To and fro means aage aur piche. To aage piche ki taraf move karte hain. So but its leaf tends to remain at rest. This is because the inertia of the leaves tend to resist the motion. So because of that, the leaves fall down as we shake the branch. So next is, why do we fall in the forward direction when a bus moves? When a moving bus breaks to a stop and falls backward when it accelerates from the rest. These cases we have already discussed in the application. So these are application 1 and application 2. So you can refer from there. So this is all for this video. In the next video, we'll talk about second law of motion. So hope to see you there. Bye-bye.